ये फाइनली अपनी चटनी तैयार हो चुकी है अच्छे से। ये कुछ इस तरीके से हमने उठा दिया। ओ भाई ये फाइनली उठ चुकी है, ये देखो। तो फाइनली अभी मैदे की रोटी और ये प्याज की चटनी खा के ट्राई करता हूँ। सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हो सभी, उम्मीद आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस फाइनली अभी बज रहा है दोपहर के 1 और अभी गाइस जैसे सब खाना खत्म हो चुका है पूरा, और सुबह सुबह हमने जो खाना बनाया था वो खत्म हो चुका था, और अभी क्या करते हैं अभी नया खाना बनाना। तो आज हम बना रहे हैं, हमारे घर पे बहुत सारा मैदा पड़ा है तो आज हम सोचते कुछ डिफरेंट बनाते हैं, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं मैदे की रोटी और बहुत सारे प्याज है तो प्याज की चटनी बनाते हैं। मैदे की रोटी और प्याज की चटनी बनाते हैं तो ये खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगने वाला है, तो चलिए बनाते हैं। अभी देखो अभी दोपहर में भी खाना खत्म हो चुका है तो इसलिए अभी खाना खाना है तो अभी बना लेते हैं और फिर खाते हैं आराम से। तो ये है मैदा, तो हम मैदा ले रहे गाइस, ये देखो इतना सा, ये कुछ इस तरीके से। तो ये इतना सा मैदा ले लिया है हमने, अब इसको अच्छे से गूंथ देते हैं। जीरा, तो जीरा डाल रहे हैं ये, इतना सा नमक ले लिया, अभी नमक डाल दिया हमने, थोड़ा सा तेल है तो ये तेल भी ऐड कर रहे हैं, इतना सा तेल ऐड कर, अब इसको गूंदना है तो फाइनली अभी गूंथते हैं अच्छे से। ये देखो धीरे धीरे कुछ इस, पहले शुरुआत में इसको हल्के हाथ से ही गूंदना है, तेल वगैरह जीरा सब अच्छे से मिक्स हो जाए, हल्के हाथ से गूंदे फिर डालना पानी। तो अभी ये पानी डाल रहे हम इतना सा, और धीरे धीरे पानी डालता जाना है और फिर गूंदते रहना इसको, क्योंकि मैदा है तो इसको धीरे धीरे अच्छे से गूंदना पड़ेगा। ये देखो तो गाइस ये गूंद रहे हैं हम अच्छे से, तो इसको आटे की तरह ही गूंदना है। ये देखो आटे की तरह गूंद रहे हैं अच्छे से। तो ये हम बना रहे हैं मैदे की रोटी, तो हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनने वाली, क्योंकि आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, कुछ हटके ट्राई कर रहे हैं। तो मैदे की रोटी और प्याज की चटनी बनाएंगे तो काफी ज्यादा अमेजिंग लगने वाली, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये हमने अच्छे से आटा गूंद दिया है, इसको 10 मिनट के लिए रखना है, तब तक अच्छे से प्याज की कटिंग कर देते हैं। हमने प्याज अच्छे से छील देते हैं, अब इनकी कटिंग करते हैं। अच्छे से प्याज कटिंग हो रही है अपनी धीरे धीरे, ये देखो अच्छे से। तो गाइस पहले अपने अच्छे से देखो प्याज की कटिंग कर दी, और ये है लहसुन, तो हम थोड़े छोटे छोटे से लहसुन की भी कटिंग कर रहे हैं। ये देखो हमने देखो ये ऊपर कड़ाई रख दी है, अब इसके अंदर बनानी है चटनी, और इधर अपने अच्छे से लहसुन और प्याज की कटिंग हो चुकी है। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले डाल रहे हैं हम ऑयल, तो फाइनली अपना तेल अच्छे से गर्म हो चुका है इसके अंदर, अब ये लहसुन और प्याज इनको डालते हैं। और इधर हमने ये मैदे का आटा गूंद के रख दिए हैं, अभी इधर तो तैयार हो जाएगा अच्छे से, तब तक अपना इधर ये तैयार पड़ा है। प्याज की चटनी हम कुछ डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, अब डाल रहे हैं हम जीरा, ये तो जीरा ऐड कर दिया। तो फाइनली हमने ये नमक ले लिया, अब सब इसका जितना ही मसाला है वह तैयार करना है, तो ये ले लिया हमने नमक, और ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल दी हमने, और ये कड़ी पत्ता का मसाला है, ये डाल रहे हम अंदर, ये डाल दे देखो, इससे स्वाद थोड़ा सा अच्छा आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ अच्छे से, आप थोड़े से लाल मिर्च डाल रहे हैं, ये इतनी सी ले रहे हैं हम, क्योंकि अपने प्याज कमी है, चटनी बनानी है तो इतनी सी लेनी है। आप थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, हिला देते गाइस, इसको डाल देते पूरी को, ये देखो ये गया, अब इसको हिला देते हैं। तो इधर अपनी अच्छे से चटनी तैयार हो रही है प्याज की, तब तक इधर मैदे की रोटी बनाए थे, ये देखो। तो ये फाइनली अपनी मैदे की रोटी तैयार कर रहे हैं हम, ये देखो ये कुछ इस तरीके से, अब इसको अच्छे से बेलना है और रोटी तैयार करनी गई, और इधर अपनी चटनी तो तैयार हो ही रही है। ये रोटी बनाने के लिए तवा रख दिया, और ये रोटी को अच्छे से गर दिया गई, ये देखो। तो ये फाइनली अपना तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, और ये है रोटी, अब डालते हैं इसके ऊपर, ये देखो मैदे की रोटी ऊपर चली गई है, और हमने जीरा वगैरह सब डाला था, ये सब दिख रहा है, ये देखो इसको हल्के हाथों से ऐसे घुमाते भी रहना है ताकि जले ना ये, ये देखो। और ये इधर सेकंड रोटी बना रहे हैं हम मैदे की, ये देखो। तो आज फाइनली मैदे की रोटी खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगने वाली भाई, अमेजिंग, ये देखो। तो ये फाइनली पक चुकी है, अब इसको हमने इस तरह घुमा दिया है, ये भाई। तो गाइस ये देखो ये रोटी घुमाए तो मैं अपने हाथ से, ये देखो ये, और अपनी सेकंड रोटी इधर तैयार हो रही है, और ये हो रही है चटनी तैयार। तो फाइनली अपनी चटनी तैयार होने आ गई अभी धीरे धीरे, ये रोटी पक चुकी है, अब इसको उतार देते हैं, ये देखो भाई वो भाई अपनी मैदे की रोटी, ये और सेकंड रोटी हमने इधर डाल दी है, ये सेकंड रोटी, और थर्ड रोटी है वो इधर तैयार हो रही है अभी। ये फाइनली अपनी चटनी तैयार हो चुकी है अच्छे से, ये देखो प्याज की चटनी, ये देखो भाई ये कुछ इस तरीके से, ये सेकंड रोटी इधर तैयार हो रही है। तो गाइस ये सेकंड रोटी है,
इसको हमने उफा दिया। ओ भाई ये फाइली उफ चुकी है, ये देखो मरी कितनी, देखो ये इसके अंदर हवा भरी है, ये कैसी अच्छी लग रही है देखो। मैदे की रोटी और प्याज की चटनी, तो फाइनली आज खाने में मजा आने वाला। ओ भाई तो फाइनली खा के भी ट्राई करेंगे कैसे मैंने की। ये तीसरी रोटी तैयार हो रही है अच्छे से, ये फाइनली चटनी तैयार हो चुकी है, तो चटनी भी इसके अंदर निकालते हैं। ये देखो तैयार हो चुकी है अच्छे से, तो अपनी फाइनली थर्ड रोटी भी तैयार हो चुकी है, इसको उतार दे। ये देखो भाई ये इतनी सी चटनी ले ली और ये और है, इसको भी सब इधर ले लेता हूँ मैं। ये फाइनली अपनी चटनी तैयार हो चुकी है, ये देखो भाई कुछ इस तरीके से। और ये लास्ट रोटी है, मैं तवे के ऊपर जा रही है। ये देखो ये अपनी लास्ट रोटी है, ये तैयार हो रही है और अब ये भी बन जाएगी। तो फाइनली अपनी रोटियां सभी तैयार हो चुकी है, ये देखो भाई ये फाइनली अपनी रोटियां तैयार हो चुकी है। सो गाइस तो फाइनली अपनी प्याज की चटनी और मैदे की रोटी अच्छे से तैयार हो चुकी है खाने के लिए, तो फाइनली खा के ट्राई करता हूँ। तो ये रही अपनी प्याज की चटनी और ये है अपने मैदे की रोटी, फाइनली खा के देखता हूँ कैसे बनी है। तो फाइनली भी मैदे की रोटी और ये प्याज की चटनी खा के ट्राई करता हूँ। यकीन मानो एक नंबर टेस्ट है, स्वादिष्ट काफी ज्यादा है। तो फाइनली मैं खाता हूँ खाना और फिर मिलता हूँ आपसे वापस। सो गाइस फाइनली मैंने खाना खा लिया, खाने में काफी ज्यादा स्वाद आया था आज। फाइनली आज के ब्लॉग में इतना, आई होप आपको ब्लॉग पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।